बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र में अमर फिलिंग स्टेशन नेशनल हाईवे निकट ग्राम पंचायत कुलछा खुर्द के समीप अज्ञात डीजल चोरों ने पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर सुनील कुमार को गोली मार दी, जिनकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सवेरे 4 बजे टायर लॉटेड वाहन रामपुर की दिशा से आकर पेट्रोल पंप के सामने रुका था। ट्रक चालक विनोद कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पंचायत बावली जिला बागपत नींद के कारण गाड़ी में सो गया। इसी दौरान डीजल चोरों का एक सफेद रंग का वाहन सड़क पर आकर रुका, जिसकी सूचना पेट्रोल पंप के चौकीदार बिक्की शर्मा ने मैनेजर सुनील कुमार को दी। मैनेजर सुनील कुमार और चौकीदार अपने साथियों को लेकर रोड की तरफ बढ़े कि डीजल टैंक से तेल चुराने का प्रयास कर रहे बदमाशों ने सुनील कुमार पर फायर कर दिया और पूरब की दिशा में अपना वाहन लेकर फरार हो गए। गोली लगने से सुनील कुमार लहूलुहान हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से मीरगंज सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति के कारण बरेली भेजा गया, जहां जिला अस्पताल पहुंचने पर सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मैं मेरे को दवाई ली, मैंने दवाई लेकर चक्कर आ गया, अंधेरी आ गई, अंधेरी आने के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं, मैं यहाँ गाड़ी लगा कर सो गया। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बागपत। कहाँ से गाड़ी लेकर चले थे? दिल्ली से। इसी पंप आकर रुके थे? हाँ जी, चक्कर आ गया, अंधेरी आ गई, दवाई ली, मेरे को कुछ दिखाई दिया नहीं, मैं यहाँ पे लगा कर लौट गया। आपका कोई नुकसान हुआ गाड़ी में? नहीं, मेरा मीटर प्लेट खोल रखी थी डीजल टंकी की। उन्होंने सोचा ये हम लोग पकड़ने आ रहे हैं या हम पे हमला करने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जवाबी फायरिंग में फायर झोंक दिया था। अच्छा, ये घटना किस समय की है? करीब 4:30 बजे के बाद। अच्छा अच्छा, तो सुनील जी को कहाँ ले जाया गया था? पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, फिर वहाँ से बरेली रेफर कर गया था। अच्छा अच्छा, गोली कहाँ लगी थी उनके? गोली अभी ये पता नहीं लगा कहाँ लगी है, अब वहाँ से आएंगे तभी जानकारी मिलेगी। ठीक। आज दिनांक 28 जुलाई 2022 को थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम कुलछा में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर अपने दो सहकर्मियों के साथ सड़क के बाहर खड़े हुए एक ट्रक में कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही थी, जिसमें उनका कहना है कि एक गाड़ी से कुछ बदमाश आए थे और जो सड़क के बाहर खड़े हुए ट्रक से तेल चोरी कर रहे थे। ये देखने पर इन्होंने अपने दो साथियों के साथ में उन बदमाशों को टोका तो उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जानकारी की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई हैं, शीघ्र ही घटना के अनावरण का सार्थक प्रयास हमारा जारी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।